आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। किसान मोर्चा का एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष चहल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा मुख्यमंत्री के साथ। किसानों की समस्याओं पर दिलाया सीएम का ध्यान। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की एक दिवसीय प्रांतीय बैठक बुधवार को मोटका स्थित निजी गार्डन में आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चहल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल सहित स्थानीय सांसद विधायक इस बैठक में शामिल थे। बैठक में स्वागत भाषण प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौहान ने देते हुए संगठन की गतिविधि की जानकारी दी। बैठक में किसान मोर्चा के संगठन को लेकर चर्चा होने के साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों पर सीएम चौहान का ध्यान दिलाया गया। इस दौरान प्रदेश की कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी शामिल थे। वहीं किसान मोर्चे के संगठन का कार्यक्रम होने से मीडिया को आयोजन से दूर रखा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान मोर्चे द्वारा दिए गए सुझाव और किसानों को लेकर किए जाने वाले कार्यों की बात कहते हुए सरकार द्वारा किसानों को आने वाली समस्या के निराकरण कर उसका त्वरित समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चहल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को किस प्रकार की जरूरत है और किस प्रकार किसानों के लिए बेहतर काम किया जा सकता है, इस बात को लेकर भी सीएम द्वारा सुझाव मांगे गए, जिसके बाद जल्द ही किसानों से जुड़ी समस्याओं के संबंध में प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार सार्थक प्रयास करने की पहल करेगी। इस दौरान खंडवा खरगोन से भाजपा के कई संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता भी बैठक में शामिल होने आए, लेकिन किसान मोर्चे के द्वारा कार्यकारिणी की बैठक होने से कई नेता आयोजन स्थल के अंदर जाने से वंचित रहे, जिन्होंने बाहर से ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर संतुष्टि जाहिर की। मोटक्का से विवेक विद्यार्थी एवं बड़वाहा से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। जी, भगवान शिव की नगरी ओम कारेश्वर जी में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मध्य प्रदेश प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक चल रही है। उसमें प्रदेश के हमारे सभी पदाधिकारी, जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री, ऐसे समूचा मध्य प्रदेश का किसान नेतृत्व किसान मोर्चे के पदाधिकारी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और उसमें अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी और यहाँ से हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी सहित सभी हमारी राष्ट्रीय टीम के लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। किसान मोर्चा एक बहुत ही प्रभावी मोर्चा मध्य प्रदेश के अंदर तैयार हुआ है। माननीय मोदी जी की योजनाएँ और माननीय शिवराज जी की जो प्रदेश की योजनाएँ हैं, उनको किसानों तक ले जाना, गांव-गांव पहुंचाना और उनका लाभ आम किसान को मिले और किसान की जो समस्या है उसको भी ऊपर तक पहुंचाना। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भाई किसानों की जो समस्या है किसान मोर्चा मुझे बताए, अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो उसका तत्काल निस्तारण किया जाए। किसान मोर्चा एक मजबूत संगठन बन चुका है देश भर में भी और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से, तो अभी और मजबूत बने, किसानों के लिए काम आए और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान कर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में जनता की और सेवा की जा सके, इसके लिए किसान मोर्चा पूरी तरह से तत्पर। सर, दो चीज़ें अलग अलग, अभी ये सारा विषय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के संज्ञान में भी है और उन्होंने अभी मंच के द्वारा और कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए इन सारे विषयों पर चर्चा की है। सरकार इसके लिए गंभीर है, पशुओं की बीमारी के मामले में भी और जो लहसुन की खेती में किसानों को नुकसान हो रहा है उसके मामले में भी। मुझे लगता है कि जनहित में, किसानों के हित में और पशु जो हमारा धन है किसानों का, उसके हित में निश्चित रूप से आदरणीय शिवराज जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो निश्चित अच्छा निर्णय लेंगे किसानों के हित। तीसरे दिन बड़वा के अंदर 3 करोड़ की नकली मिर्ची का बीज पकड़ा, उस पर आंसू का लगवाए। उसके बाद इंदौर में सब जगह छापेमार कार्रवाई चल रही है, जो भी गलत काम कर रहा है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, FIR करा रहे हैं, लाइसेंस रद्द कर रहे हैं, पुलिस फ्रस्ट कर रहे हैं। और इसमें हमें बड़ी सफलता मिली है, पिछले 50 साल में जानवर मारे नहीं होती, हमने 3 साल में किए। अभी हमने किसानों के लिए देश में काली मूल की फसल उगाई भारी चोरा डेम से और उससे लगभग 10-12 लाख मेट्रिक टन मूंग पैदा हुआ है। वो बाजार में 3,000 से 5,000 बिक रहा था, लेकिन हमने समर्थन मूल्य 7,000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार का किसान की सफल हुए, देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का सरकार करके किसान की चना सरसों मसूर की फसल गेहूँ से पहले आती है, लेकिन बाद में खरीदी आती है। कांग्रेस के समय में कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में 1990 पूरे प्रदेश में चना बदला था। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, चना सरसों मसूर खरीदी और अब सरसों मूंग भी जितना